तो फ्रेंड्स इसे तो देखा जाए तो हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ खोज निकाला है, मगर आज मैं आपको वैज्ञानिकों की उस बड़ी खोज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप शायद शॉक हो जाएंगे। दरअसल हमें बचपन में यह बताया गया है कि पृथ्वी और हमारे सभी प्लेनेट ब्रह्मांड में सूरज नामक एक स्टार के चक्कर लगाते हैं, मगर मैं आपसे कहूँ कि यह सब कुछ पूरी तरह से सच नहीं है। अर्थात मेरे कहने का अर्थ है कि इस बहुआयत वाले ब्रह्मांड में हमारा सूरज, सभी प्लेनेट्स और एस्ट्रॉइड हमारे मिल्की वे के सेंटर में मौजूद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए के चक्कर लगा रहे हैं, और इस ब्लैक होल का मास 40 लाख सूरज के बराबर है। अब मेरे कुछ दोस्तों के मन में मेरी ही तरह यह सवाल आ रहा होगा कि अगर यह ब्लैक होल मिल्की वे के बीच में स्थित है तो यह कभी ना कभी हमारे प्लेनेट अर्थ और सभी प्लेनेट सहित हमारे पूरे सोलर सिस्टम को अपने अंदर ले लेगा। मगर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ब्लैक होल भी प्लेनेट और एस्ट्रॉइड की ही तरह ग्रेविटिविटी के लॉ को अपनाते। दरअसल मेरे कहने का मतलब है कि ब्लैक होल कभी भी किसी ग्रह या तारे को अपनी ओर खींचने के लिए स्पेस में कहीं भी इधर उधर गति नहीं करते। ब्लैक होल केवल उन्हीं प्लेनेट को अपने अंदर लेते हैं जो किसी कारणवश अपनी ग्रेविटिविटी पथ से भटककर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन वाली बाउंड्री को पार कर लेते हैं। एक मायने में देखा जाए तो ब्लैक होल इस ब्रह्मांड में सफाई कर्मी के तौर पर होती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।